अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम आए हुए हैं मेहरान की वीडियो बनाने। हमारे बहुत से भाइयों की डिमांड थी कि ऊपर वाले मॉडल 2012-15 ऐसे मॉडल की वीडियो बनाएं, तो हम आज 2012 मॉडल लेके आए हैं। और इसकी जो कंडीशन है बहुत ही आउट क्लास है। और दूसरी बात ये कि आप इसकी कंडीशन में आपको व्यू करवाऊंगा अभी। और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपने भाइयों की डिमांड में 2012-12 मॉडल में लेके आया हूँ, और बहुत ही मुनासिब कीमत में। जब आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला यूनिट जो हमारे पास ये आज हम लेके आए हैं मेहरान। तो आप इसकी फ्रंट कंडीशन देख सकते हैं, लाइट्स की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, हमें नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल रही है। इसकी फ्रंट लाइट भी आप इसकी देख सकते हैं, नंबर प्लेट की कंडीशन देख सकते हैं, बम्पर की कंडीशन देख सकते हैं, एक स्क्रैच वगैरह भी इसमें नहीं है देख सकते हैं। और बोनट की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं फ्रंट पे तो, और सेकेंड लाइट की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें ये कार मिल रही है। तो साइड लुक की बात करें तो सबसे पहले हम इसके टायर्स के टायर और व्हील कप देख सकते हैं, हमें नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें ये मिल रहे हैं। सो टायर्स में आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ गाइस, देख सकते हैं आप इसके टायर्स की कंडीशन। सो साइड लुक की बात करें तो साइड लुक आप इसका फुल ओवरव्यू ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसके कहीं भी एक स्क्रैच भी नहीं है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें ये कार मिल रही है, देख सकते हैं। बाकी इसमें जो है एयर प्रेस भी लगे हुए हैं देख सकते हैं, और बैक टायर्स की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं। तो बैक टायर्स में आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं अंदर से भी ये बिल्कुल रस्ट वगैरह नहीं है, नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें ये कार मिल रही है। बाहर अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में हर तरफ से। सो अब हम इसके बैक लुक की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बैक में भी इसके एयर प्रेस लगा हुआ है ऊपर। तो गाइस बैक लाइट की बात करें तो लाइट भी हमें सही कंडीशन में मिल रही है इसकी, और नंबर प्लेट की कंडीशन की बात करें तो देख सकते हैं, और सेकंड लाइट की बात करें तो ये भी आप इसकी देख सकते हैं हर चीज़ की वर्किंग में। और डिग्गी की कंडीशन की बात करें तो देख सकते हैं गाइस, मैं आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन करके बिल्कुल दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कोशिश होती है कि मैं अपने गाइस को जो होता है अपने व्यूवर्स को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाऊँ। तो देख सकते हैं, अब मैं आ जाता हूँ बम्पर पर। तो बम्पर की बात करें तो देख सकते हैं गाइस, हमें हर तरफ से बिल्कुल क्लीन मिल रहा है, और माशाल्लाह से कार भी बिल्कुल सर्विस हुई हुई है, तो बहुत ही असम कंडीशन में लग रही है देख सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें बैक टायर्स की कंडीशन देख सकते हैं, और व्हील कप हमें इसमें अपडेट मिल रहे हैं। और साइड लुक की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं है, हल्के फुल्के होते हैं वो तो थोड़े बहुत चलते हैं, और बाकी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देख सकते हैं। टायर्स में आपको क्लियर करके और दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस। सो साइड लुक की बात करें तो हमें जो सेकंड डोर है वो भी हमें नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल रहा है। तो उसके बाद हम आ जाएँ फर्स्ट डोर पर, तो हम फर्स्ट डोर की कंडीशन भी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही औसम कंडीशन में माशाल्लाह से। 2012 का मॉडल है, इसकी माइलेज वगैरह जो है इसकी 70,000 है देख सकते हैं आप। बाकी आप इसके जो है फ्रंट जो ये भी देख सकते हैं फ्रंट का, और फ्रंट टायर भी आप इसके देख सकते हैं गाइस, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। सो अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, पहले तो मैं आपको यहाँ से भी पूरा व्यू करवा देता हूँ। सो इसके जो है इंटीरियर की बात करें तो अभी हम इसके इंटीरियर पे चलते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले हम इसकी डोरियां वगैरह देख सकते हैं, अंदर से ये गत्ता वगैरह जो है इसमें लगा हुआ, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में, इसमें कोई भी मतलब गंदगी वगैरह नहीं है। सो आप इसकी गेट की डोरियां वगैरह भी देख सकते हैं बिल्कुल, मैं आपको क्लियर करके दिखा सकता हूँ। सो नीचे वाली जो डोरियाँ हैं ये भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, और पिलर्स की कंडीशन आपके सामने है देख सकते हैं, सीट वगैरह की कंडीशन भी देख सकते हैं बिल्कुल असम कंडीशन में, कपड़े वाली सीट पे पर कपड़ा चढ़ा हुआ है, और रूफ वगैरह की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस। सो हम बात करें स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग की कंडीशन भी हमें सही हालत में मिल रही है, और मीटर की बात करें तो देख सकते हैं गाइस, पेट्रोल एवरेज जो है इसका हमें ये शहर में 12-15 तक देती है, और शहर के बाहर और ज़्यादा देगी। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको पता है मेहरान का, सिस्टम वगैरह इसमें भी अपडेट है देख सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो इन्होंने कपड़ा वगैरह इस पर रखा हुआ है, टिशू पेपर का डब्बा भी है देख सकते हैं आप। सो हमें अंदर से इंटीरियर भी इसका नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल रहा है, गंदगी वगैरह नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं। सो रूफ़ की बात करें तो आप इसका रूफ़ वगैरह भी देख सकते हैं गाइस। सो मैं आपको जो है इसकी बैक सीट भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो बैक सीट के जो आपको पिलर्स हैं पहले मैं वो भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं नीचे वाली डोरियाँ वगैरह भी देख सकते हैं आप, इसके पिलर्स की कंडीशन भी देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें ये वाली कार भी मिल रही है। बाकी हम बात करें इसके डोर की, तो आप इसका डोर वगैरह भी देख सकते हैं। सो
अब आते हैं हम इसके सीट की तरफ। तो सीट भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, नीट एंड क्लीन ही है, देख सकते हैं। सो आप यहां से भी इसको डिग्गी भी मैं आपको थोड़ी बहुत व्यू करवा देता हूँ। ऊपर से भी आप इसकी डोरियां वगैरह देख सकते हैं, छत की डोरियां वगैरह। सो अब मैं आपको जो है इसका इंजन रूम एक बार व्यू करवा देता हूँ गाइस। तो इंजन रूम पे चले तो हम सबसे पहले इंजन रूम की तरफ अभी व्यू करते हैं, मैं आपको व्यू करवाता हूँ, देख सकते हैं। तो अब हम इसका इंजन रूम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस इंजन रूम की बात करें तो देख सकते हैं आप इसकी डोरियां वगैरह। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट पट्टी देख सकते हैं, ये कहीं से लगी पट्टी नहीं है, देख सकते हैं। बाकी आप इसकी डोरियां वगैरह भी देख सकते हैं और कुप्पे की कंडीशन भी देख सकते हैं गाइस। मेरी जितनी कोशिश है कि मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं, मैं उतना आपको क्लियर करके दिखा सकता हूँ। देखिए इसमें टिकली वगैरह भी अपडेट है, मतलब ये हर चीज़ में क्लियर कार है। चेसेस भी आप इसका चेसेस देख सकते हैं, बाकी ये सब भी देख सकते हैं, सेकेंड कुप्पे वगैरह, डोरियाँ वगैरह, हर चीज़ इसकी औसम है। इसके ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। इंजन रूम की कंडीशन भी इन्होंने सर्विस वगैरह करवा के खड़ी की है, तो देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। इसमें आपको काम वगैरह की भी मेरे हिसाब से इसमें कोई काम नहीं है, तो आप बस लें और इसको चलाएं, देख सकते हैं गाइस। बैटरी वगैरह भी इसमें न्यू अपडेट है, तो देख सकते हैं। टायर्स भी बिल्कुल न्यू है। इंजन रूम की कंडीशन भी आपको मैंने बहुत ही क्लियर करके दिखा दी है, देख सकते हैं। लाइट्स वगैरह भी आपको मैं ऐसे करके क्लियर दिखा सकता हूँ। तो इंजन रूम में आपको नीचे से भी इसका दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस, हर चीज़ इसकी ओके है। इंजन रूम भी इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में। तो हम बोनेट की बात करें तो आपको मैं इसकी बोनेट की डोरियाँ वगैरह भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस। डोरिया वगैरह हमने भी देख ली है और पूरा बोनेट भी हम इसका एक दफा देख लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं, अब मैं आपको जो है इसकी डिग्गी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो गाइस डिग्गी की बात करें तो आप इसके लाइट्स वगैरह मैंने आपको व्यू करवाई है, वापस व्यू करवा देता हूँ, देख सकते हैं। और डिग्गी की आप इसकी डोरियाँ वगैरह भी देख सकते हैं। सो साइड वाली डोरियाँ वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं, ऊपर वाली डोरियाँ भी मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस। सो ऊपर वाली जो डिग्गी है मैं आपको इसकी डोरियाँ वगैरह ऊपर से दिखा देता हूँ, आप इसके लॉक की कंडीशन भी देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, फुल व्यू कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं डिग्गी की तरफ, तो डिग्गी में आपको अंदर से दिखा देता हूँ, अंदर की इसकी डोरियाँ वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं। बाकी इसमें स्पीकर वगैरह इसमें अपडेट हैं, ये स्पीकर वगैरह की कंडीशन है, ये डोरियाँ वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं। नीचे से आप इसका फ्रेश वगैरह जो है फ्रेश वो भी देख सकते हैं। बाकी इसमें इसमें टायर वगैरह भी इसमें अपडेट है, नीचे रखा हुआ है, और इसका सामान वगैरह जो टोटल है वो भी है। इसमें जो व्हील पाने होते हैं वो भी इसमें रखे हुए हैं नीचे। बाकी स्पीकर की वजह से हमने इनको टच वगैरह नहीं किया, तो इसकी वजह से हमने इनको हटाया वगैरह नहीं, इसलिए आप इसका नीचे से यहाँ से फ्रेश देख सकते हैं। सो डिग्गी की जो बात है वो भी मैंने आपको पूरी क्लियर करके दिखा दी है। सो हमारे भाइयों की सबसे पहली जो हमारी बात होती है कि वो बोलते हैं कि इसकी डिमांड बता दें, तो इसकी 6 लाख रुपये इसकी डिमांड है। बस आप गाड़ी लें और घर में यूज़ करें, इसमें कोई भी काम नहीं है, बस बहुत ही ऑसम कंडीशन में। इसकी जो फाइल्स वगैरह हैं ऑल इसकी जो है डॉक्यूमेंट वो क्लियर हैं। सो जो भाई इंटरेस्टेड हों वो मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो ओनर हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।